आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां आजमगढ़ पुलिस द्वारा खोए हुए कुल 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपया किया गया, बरामद। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में अब तक कुल 718 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ किया गया, बरामद बताया जा रहा है। 11 लाख रुपया बरामद कर स्वामियों को किए जा चुके हैं। बता दें कि जनपद में माह फरवरी 2024 से गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है। देखिए, प्रति माह की भांति इस माह भी हम लोगों ने CEIR पोर्टल के माध्यम से जितने भी शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं कि हमारे मोबाइल गुम हो चुकी है और जो पोर्टल पर दर्ज कराते हैं, उसमें हमारी टीम को लगाकर हम लोगों ने इस माह 101 मोबाइल फोन बरामद किया है। और जो ये अभियान चलाया जा रहा है फरवरी से, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक 718 फोन बरामद कर लिए, जिनका बाजार मूल्य में लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपये है। इसमें जो भी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है या फिर इधर उधर चले जाता है, वो व्यक्ति CEIR पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराता है, उसको हमारी टीम द्वारा ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के बाद उसको बरामद किया जाता है। इसमें हम लोग अब तक 7 माह में 718 फोन बरामद कर चुके हैं। सर, ये अभियान किस तरीके से चल रहा है, कब तक चलेगा और इसका जो दूर दराज से लोग आए हैं उनको किस तरीके से वापस किया जाएगा? देखिए, ये अभियान हम लोग प्रतिमा चलाते रहेंगे। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि यह अभियान थाना की टीम द्वारा चलाया जा रहा है। थाने पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से जितनी शिकायतें प्रार्थना पत्र प्राप्त होती हैं उनको ट्रैक किया जाता है और उनको जो ट्रैक करने के बाद जो नया नंबर उन पर एक्टिव होता है उनको कॉल करके उनसे मोबाइल मंगाया जाता है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और हम इसको पुलिस लाइन में प्रतिमा इसको वितरित करते रहेंगे। सर, आजमगढ़ पुलिस ने एक विदेश की भी मोबाइल ट्रैक किया था, अभी आपके जानकारी था, सर उसको प्रश्न? देखिए, ये व्यक्ति नीदरलैंड का रह रहा था, भारत का निवासी है, आजमगढ़ का ही। उसका मोबाइल यहाँ पर गुम हो गया था, कहीं बस में वो छोड़ के चला गया था। इस मोबाइल को जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया उसने आजमगढ़ की पुलिस को सपोर्ट किया, हम लोगों ने उस मोबाइल को ट्रैक किया। व्यक्ति नीदरलैंड का निवासी था, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया गया और उसको बाद में मोबाइल।